आज से कई सौ साल पहले ऐसे लोग मौजूद थे जो वेदों और ग्रंथों को जुबानी बड़े ही आराम से याद कर सकते थे, चाहे जितने भी श्लोक क्यों ना हो उन्हें सब याद रहता था। आज के समय में हम छोटी सी किताब भी याद नहीं कर पाते, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पास उनसे कम दिमाग है? नहीं, हमारे पास उतना ही दिमाग है, बस उन लोगों के पास चीजें याद करने की कुछ टेक्निक्स थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनकी उन्हीं टेक्निक्स पर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही उनका इस्तेमाल करके आप यूपीएससी कैसे क्रैक कर सकते हैं ये भी बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज से कई सौ साल पहले हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ की पढ़ाई आज के स्कूलों के मुकाबले बहुत अलग थी। उनके पढ़ने का तरीका, चीजों को याद रखने का तरीका बिल्कुल अलग था। पर अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने अपना पढ़ाई का तरीका यहाँ लाना शुरू किया और धीरे धीरे समय के साथ साथ गुरुकुल का तरीका कहीं लुप्त हो गया। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको गुरुकुल के वो वैदिक तरीके बताने वाले हैं जो गुरुकुल में सिखाए जाते हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप यूपीएससी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। नंबर वन, जेस्चर्स। आज के समय में हमें ये आदत हो चुकी है कि हम चीजों को समझते कम रट ले जाता है, जिस वजह से हमें चीजें याद तो हो जाती है पर कुछ ही समय के लिए। लेकिन गुरुकुल में आज भी ये बताया जाता है कि आप जब भी कुछ याद करने की कोशिश करते हो तो आपको उस चीज को जोर जोर से पढ़ना चाहिए, साथ ही आप जो भी पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने हाथों को मूव करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो डायरेक्टली आपके कानों में जाता है और आपके हाथ मूव करने की वजह से आप एक्टिव रहते हो। अगर आप यूपीएससी में टॉपिक्स को इसी तरह से याद करेंगे तो उन्हें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आप अच्छे से सब याद रख पाओगे। नंबर टू, निमोनिक टेक्निक। हर टॉपिक के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। इस टेक्निक में आपको टॉपिक को समझने से पहले उसकी स्टोरी को जानना होता है, ताकि जब आप टॉपिक को पढ़ें तो आपको वो अच्छे से समझ आए और टॉपिक पढ़ने में भी मजेदार हो जाए। यूपीएससी के दौरान आप ये तरीका अपना सकते हैं, इससे यूपीएससी की परीक्षा के दौरान टॉपिक देखकर ही आपको उसके बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। नंबर थ्री, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, इसकी मदद से हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में लोग इसके बारे में इतना सोचते नहीं है, वो बस अपने में ही लगे रहते हैं और जो मन में आता है उसको बोलते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर होती है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो अपने अंदर उसे फीड करता जाता है, और अगर वो काम ना भी होने वाला हो तब भी वो माइंड दिमाग में ऐसी एनर्जी ट्रांसफर करता है जिससे हमारा बोला सच हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आप ये कभी ना सोचा कीजिए कि आपसे यूपीएससी क्रैक नहीं होगा। आप रोज बस एक ही बात विश्वास के साथ बोला करें, हाँ हम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके ही दिखाएंगे। देखिएगा, फिर आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। नंबर फोर, पढ़ाई का अनोखा तरीका। पहले के समय में जब लोग कुछ भी पढ़ा करते थे तो वो जमीन पर बैठकर कमर सीधी करके पढ़ाई करते थे, लेकिन आज के समय में हम कैसे भी पोजीशन में पढ़ाई करने लगते हैं, जो हमारी याददाश्त कम होने का एक बड़ा कारण है। जब हम अपनी कमर को सीधा करके पढ़ते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से काम करना शुरू कर देती है, हमारे शरीर के सारे चक्र जागरूक हो जाते हैं जो डायरेक्टली हमारा पढ़ा हुआ हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करते वक्त आप इस बात का बेहद ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपनी कमर को सीधा करके बैठे। नंबर फाइव, आवधान। ऐसा माना जाता है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा जागरूक हो जाता है और एक्टिव रहता है, इसलिए आपको अपने यूपीएससी प्रिपरेशन टाइम टेबल में थोड़ा टाइम निकालकर रोज कोई नई एक्टिविटी सीखनी चाहिए, ताकि दिमाग जागरूक रहे। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में इन वैदिक तरीकों को अपना लिया तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको ताउम्र बखूबी याद रहेगा, साथ ही आप एक्टिव भी रहेंगे और आपका यूपीएससी पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।